आज जो हमें बात करनी है मुख्य रूप से, हमने जो पिछली क्लास छोड़ा था वो यहीं पे कि वायुमंडलीय दबाव पूरी पृथ्वी पर एक समान रूप से नहीं पाया जाता है, बल्कि उसमें अंतर होता है। और हेडिंग आपसे बनवाया था कि वायुमंडलीय दबाव या वायुदाब में अंतर का क्या कारण है, ठीक है। वो कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जो किसी स्थान पर वायुमंडलीय दबाव को कम या ज़्यादा करते हैं। तो आप देखेंगे कि पहली चीज़ तो वायुदाब किसको फॉलो कर रहा है। वायुमंडलीय दबाव का जो वितरण है वो तापमान को फॉलो करता है। जैसा तापमान जहाँ होगा उसी के हिसाब से वायुदाब आपको मिलेगा। तापमान अधिक है, मैंने आपको पिछली क्लासेज में कई बार बताया कि यदि तापमान अधिक है तो फिर वहाँ पर वायुदाब कम होगा। तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। किसी स्थान की बात कर रहे हैं, बस ऊंचाई को छोड़ दिया जाए, ऊंचाई पे जब आप बढ़ेंगे तो तापमान और वायुदाब दोनों में कमी आएगी। कारण क्या है इसका? पहली चीज़ तो वायुमंडलीय संगठन, चूँकि वायुमंडल की सघनता कम हो जाएगी तो दबाव डालने वाले कारक कौन से हैं वायुमंडल में, जो सब्सटेंस हैं जैसे धूल कण है, जलवाष्प है, गैसें हैं, तो इनकी कमी होने लगती है, ये विरल होने लगते हैं ऊंचाई पर जाने पर, तो फिर दाब भी कम हो जाएगा। तापमान भी साथ साथ कम होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से। तो उसके भी दो कारण हैं। पहला कि वायुमंडलीय तापमान का जो स्रोत है वो पृथ्वी है, पार्थिव विकिरण है, और जब आप स्रोत से दूर जाते हैं तो स्रोत से जो प्रभाव पड़ रहा है वो कम होता जाएगा। दूसरी चीज़ कि वायुमंडलीय संगठन का विरल होना। जब वायुमंडल सघन होता है तो पदार्थ हैं, इसका मतलब अगर पदार्थ हैं तो वो ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, जब वो ऊष्मा लेंगे तभी तो तापमान बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाने लगते हैं वायुमंडल विरल हो जाता है, पदार्थों की मात्रा कम होने लगती है, तो इस वजह से ऊष्मा ग्रहण करने वाले जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस हैं, उनको वही कम हो जाते हैं, तो फिर तापमान या ऊष्मा को धारण करने वाला ही नहीं कोई रहता है, इस वजह से तापमान में गिरावट आती है। तो वायुदाब और तापमान ऊंचाई के साथ एक साथ साथ कम होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है कि मुख्य रूप से बात करना कि जो वायुदाब है इसका क्षैतिज वितरण जो होगा किसी स्थान पर वो कैसा होगा, और ये देखेंगे कि जो क्षैतिज वितरण के वायुदाब के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों पर बात करेंगे हम आज। इन कारणों को हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। पहला जो है वो तो होगा प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में उन कारकों को शामिल किया जाता है जो जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घट रही हैं ऐसे कारकों को इसमें रखा जाता है, जिसमें पहला कारक है तापमान, ठीक है। पहला कारक क्या है? तापमान। तापमान किसी स्थान के वायुदाब को प्रभावित करता है। वायुदाब किसी स्थान का कम या ज़्यादा होगा ये तापमान प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। कैसे करता है भाई? ये सूर्य है, ये सन है, ये अर्थ की सतह है। यहाँ पर सूर्य विषुवत, मान लीजिए ये ध्रुव है, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और यहाँ भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब आप बताइए कि इसमें से तापमान किस जगह पर सबसे ज़्यादा होगा? निश्चित रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होगा। कारण क्या है कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं और इन किरणों को यहाँ पे कम दूरी तय करके आना पड़ रहा है। तो जब कम दूरी तय करना पड़ेगा वायुमंडल में और सीधी किरणें आके यहाँ पहुँचेंगी और साल भर सूर्य कर्क और मकर रेखा के मध्य में लंबवत होती है सूर्य की किरणें, तो फिर सूर्य तब विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखा क्षेत्र में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य में सूर्यातप सर्वाधिक प्राप्त होगा। तो जब सूर्यातप सर्वाधिक प्राप्त हो रहा है तो फिर तापमान भी तो यहाँ पे अधिक होगा। तो जब यहाँ पे तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक हो गया, तो तापमान अधिक होने के बाद में जो यहाँ की सतह है वो गर्म होगी, और गर्म होने के बाद में सतह क्या करेगी? रेडिएशन उत्पन्न करेगी, पार्थिव विकिरण निकालेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वायु लगी हुई है सतह पर, जो वायु है, हवा है, ये वायु क्या होगी? गर्म होगी, और गर्म होकर के ऊपर उठेगी। और जब कोई ऊपर उठ रहा है कम दबाव होगा कि ज़्यादा दबाव होगा? निश्चित रूप से जब हवा ऊपर उठ रही है तो वायुदाब कम हो जाएगा ना, क्योंकि वायुदाब के लिए यही वायु का नीचे की ओर दबाव डालना ही तो वायुदाब है। और जब वायु गर्म होकर के ऊपर जा रही है तो वायुदाब तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे कैसा प्रेशर होगा? यहाँ तापमान अधिक है तो फिर वायुदाब क्या हो गया? वायुदाब कम हो गया ध्रुवीय क्षेत्रों में। अब यहाँ तापमान अगर अधिक ना होता तो वायुदाब अधिक होता, लेकिन तापमान अधिक होने की वजह से क्या है कि वायुदाब में कमी आ गई। क्यों? क्योंकि तापमान अधिक हुआ तो वायुमंडल के जो धूल कण, गैसें, जलवाष्प, ये सब हैं क्या हो गए? सतह से जो लगे हुए थे वो गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर दिए। जब गर्म हो गए तो हल्की हुई गैसें,
हल्की होकर ऊपर उठने लगी, और ऊपर से ही दबाव आ रहा था तो दबाव का जो रास्ता है वो तो बाधित हो गया। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर का जोन बनता है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जाए तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं और तिरछी किरणों की बहुत ज़्यादा प्रभाविता नहीं होती है, ठीक है। और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी यानी सूर्यातप कम प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, और जब सूर्यातप कम प्राप्त हो रहा है तो फिर इस क्षेत्र में गर्मी, टेम्परेचर इस क्षेत्र का कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा, ठीक है, तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। क्या कारण है कि जब तापमान ही नहीं है तो जो सतह से लगी वायु है वो गर्म नहीं होगी, और जब गर्म नहीं होगी तो ऊपर नहीं उठेगी। ऊपर नहीं उठेगी अगर यहाँ की जो वायु है या वायुमंडलीय संगठन है तो ऊपर से दबाव आएगा, कुछ तो एक होगा, या तो दाब आ रहा है या तो फिर ये ऊपर हवा को भेज रही है। तो तापमान एक प्रमुख कारण है यहाँ पर, क्या होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। यहाँ पर क्या हो रहा है, भूमध्य रेखा क्षेत्र में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, फिर यहाँ भी वही होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध होता है, ठीक है। अगर क्षैतिज वितरण में देखा जाएगा तो तापमान जो होता है, तापमान जहाँ पर तापमान अधिक होगा, ठीक है, वहाँ पर वायुदाब कम होगा, समझे। और अगर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा, यानी तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध होगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो सूर्यातप सबसे ज़्यादा, यानी जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन कहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर कम प्राप्त हो रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो जब विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर आप आगे बढ़ोगे तो तापमान में, वायुदाब में लगातार वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि तापमान में लगातार कमी हो रही है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ लिख लें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब का क्या हालत होगी, वायुदाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा, ठीक है, तापमान घटेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। अगर इतना ही लिखा हुआ स्टेटमेंट मिल गया तो आप उसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं, ये जानते हुए कि अगर तापमान अधिक है तो गर्मी अधिक है उस जगह पे, और अगर गर्म वहाँ पे है तो सतह से लगी वायु जो होगी वो गर्म होकर क्या करेगी, ज़मीन के अंदर तो घुस नहीं जाएगी, गर्म होगी वायु तो ऊपर ही उठेगी, और ऊपर से जो दबाव आ रहा था वो दबाव कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे से अब कोई और उसको प्रेशर दे रहा है नीचे से। तो जब वायुमंडल में गैसें, जलवाष्प ये सब गर्म होकर ऊपर उठने लगेंगे तो वहाँ पर दबाव का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो जो तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। तापमान पहला कारक है जो क्या कर रहा है, किसी स्थान के वायुदाब को प्रभावित करता है।